इंटरनेट एक ऐसी चीज जो कि हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। जैसे जैसे हम साल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होते जा रही है और हम इंटरनेट पे ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आज के टाइम पे हर कोई फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, रेडिट हो या फिर अमेजोन हो, ये सारी चीजें यूज करता ही है। और अगर इनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल ना करे तो गूगल तो हर कोई यूज करता है। और ऐसी तमाम चीजें जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सब आती है सरफेस वेब के अंदर। आए दिन नई नई वेबसाइट्स बन रही है, नया नया डेटा अपलोड हो रहा है और ये डेटा इतना ज्यादा है कि अगर हम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दें तो भी शायद हम सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इतना वास्ट है सरफेस वेब। बट व्हाट इफ आई से कि ये इंटरनेट का सिर्फ 5% है, तो बाकी 95% है। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाई प्रीस्ट, स्वागत है आपका गोर कलयुग में। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी चीजें हम एक्सेस करते हैं वो सब सरफेस वेब में आता है, जो कि इंटरनेट का सिर्फ 5% है। रिमेनिंग 95% कवर करता है डीप वेब एंड डार्क वेब, और ये इतना वास्ट है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि ये डार्क वेब और डीप वेब है क्या? चलिए इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। डीप वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जो कि नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया। डीप वेब में जाना नॉर्मल वेब के मुकाबले डिफिकल्ट होता है और इसे एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होती है, जैसे कि अनियन ब्राउजर हो गया या फिर I2P की मदद से भी डीप वेब में जाया जा सकता है। इन ब्राउजर को यूज करने का फायदा है कि आपकी आइडेंटिटी मोस्ट ऑफ द टाइम हिडन रहती है, इसलिए आप कुछ भी चीजें वहां पर सर्च कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी चीजें खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। डीप वेब में मैक्सिमम चीजें हिडन होती है क्योंकि जो कुछ भी हम नॉर्मल वेब में सर्च करते हैं उसकी प्राइवेसी को डीप वेब में मेंटेन किया जाता है। व्हाट इफ आई से कि हम सब भी कहीं ना कहीं डीप वेब को यूज करते हैं? आई नो यू वोंट बिलीव मी, वेल दैट्स द ट्रुथ। जब भी हम अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, फाइनेंशियल ऐप्स होगी या फिर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट, तो वहां पर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक आपका यूजर नेम और दूसरा आपका पासवर्ड। इन चीजों को हिडन और सिक्योर रखने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन डीप वेब में स्टोर करी जाती है ताकि आपका अकाउंट कोई भी आसानी से हैक न कर सके। इनफैक्ट जीमेल का इनबॉक्स और गूगल स्टोरेज ये भी एक डीप वेब का ही पार्ट है। हमने सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में तो जान लिया, अब बारी है डार्क वेब की। डार्क वेब इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द डीप वेब, जिसको एक्सेस करना काफी डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको स्पेशल ब्राउजर की जरूरत है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है और आपको खुद भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर आप कहीं डार्क वेब को एक्सेस कर पाओगे। आइडेंटिटी हिडन होने के कारण यहाँ पर लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी इलीगल एक्टिविटी जो कि आप इमेजिन कर सकते हो। इनफैक्ट जो चीजें आप इमेजिन नहीं भी कर सकते वो सब डार्क वेब पे अवेलेबल है। वैसे कहते हैं कि डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा कितना बड़ा है ये एक्चुअल में किसी को नहीं पता। डार्क वेब में आप ड्रग्स खरीद सकते हो, फेक पासपोर्ट खरीद सकते हो, किसी के बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, फॉल्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो, एंड द मोस्ट क्रेजी थिंग इज कि कुछ पैसों में आप हिटमैन हायर करके किसी को मारने की सुपारी दे सकते हो। हालांकि इन लोगों के भी कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट द मेन थिंग इज हिटमैन हायर करना, और ये सारी पेमेंट बिटकॉइन के थ्रू होती है ताकि इजीली ट्रेस ना हो सके। डार्क वेब में ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है जो कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। हालांकि काफी सारी वेबसाइट फेक है और वहां लोगों को स्कैम करती है, लेकिन कुछ ऐसी लेजिटिमेट वेबसाइट है जो कि एक्चुअल में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 2011 में ही एक ऐसी वेबसाइट ओपन हुई जिसने आते ही डार्क वेब में नाम कमा लिया था, वो थी द सिल्क रोड, जिसको क्रिएट किया था रॉस विलियम ने। इस वेबसाइट में लोग ड्रग्स को बेचा और खरीदा करते थे। ये वेबसाइट सिर्फ 2 साल चल पाई क्योंकि 2013 में FBI ने वेबसाइट को परमानेंटली शट डाउन कर दिया था। ये वेबसाइट इतनी पॉपुलर थी कि सिर्फ 2 साल के ड्यूरेशन में इसने $1.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा। एडिशनली $80 मिलियन जनरेट करा एज अ कमीशन फॉर इट्स ऑपरेटर्स। द सिल्क रोड तो बंद हो गई, लेकिन उसके जैसी तमाम वेबसाइट खुल गई जहां पर आज भी इलीगल ड्रग्स सेल होते हैं। एक और चीज जो कि डार्क वेब में भर भर के पड़ी हुई है, which really upsets my mind, and that is child pornography. छोटे बच्चों को किडनैप कर उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करते हुए उनकी वीडियो बनाना और फिर उसे डार्क वेब में अपलोड कर देना, और बकायदा लोग ऐसी चीजों को खरीदने के लिए आते हैं। कहते हैं द मोर डीपर यू गो द मोर डिस्टर्बिंग थिंग्स यू विल गोइंग टू फाइंड इन डार्क वेब, और डार्क वेब का जो सबसे डार्केस्ट पार्ट है वो है रेड रूम। कहते हैं कि रेड रूम को लोकेट करना ही सबसे बड़ी महाभारत है क्योंकि ये चीज हद से ज्यादा हिडन है। द मोमेंट यू एंटर रेड रूम आप देखोगे कि एक कमरा है जिसमें रेड कलर की लाइट जल रही है और बीच में एक इंसान को बांध के रखा हुआ है।
एक आदमी मास्क पहन के रूम में एंटर करता है और उसके पास कुछ हथियार है जैसे कि चाकू, हथौड़ा। बगल में आप एक चैट बॉक्स देखोगे जिसमें लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हैं। फिर एकदम से लोग वहाँ पर बिटकॉइंस में डोनेट करना शुरू कर देते हैं और डोनेशन के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी डालते हैं, वो होती है कि सामने वाले इंसान की उंगली काट दी जाए या फिर उसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक जगह पे एक कट मार दिया जाए या फिर कहीं पर उसके कील ठोक दी जाए या फिर उसकी खाल छील दी जाए। और जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती जाती है लोगों की डोनेशन भी आती रहती है ताकि इस रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। और वो आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था वो इन सारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। आई नो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और यहाँ पर जो लोग आते हैं दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर मेंटली इल। लेकिन रेड रूम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती है कि एक फिक्शनल चीज़ है, ये एक मिथ है, रेड रूम जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में रेड रूम को विजिट करा है लेकिन उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। एक प्रिडिक्शन ये भी लगाई जाती है कि रेड रूम की मदद से ISIS फंड्स कलेक्ट करता है। एक चीज ये भी कही जाती है कि डार्क वेब में इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो होती है तो इस वजह से लाइव स्ट्रीम रन करना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक केस बताने वाला हूँ जिसको कहीं ना कहीं डार्क वेब से जोड़ा जाता है। हालांकि इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए रिपोर्टर के पास कोई एविडेंस नहीं था। ये केस है पाकिस्तान में रहने वाली एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम था जैनब अंसारी, जिसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, टॉर्चर किया गया और फिर बाद में बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। जैनब अपने माँ बाप, दो बहन और एक भाई के साथ रहती थी कसूर में, जो कि पाकिस्तान में है। जैनब एक प्यारी, होशियार और हर बच्चों की तरह अपनी दुनिया में मस्त रहने वालों में से थी। एक दिन जैनब के माता पिता मोहम्मद आमिन अंसारी और नुसरत अंसारी सऊदी चले जाते हैं और अपनी बेटी को उसके अंकल मोहम्मद अदनान के पास छोड़ जाते हैं। हर रोज की तरह जैनब 4 जनवरी 2018 को भी अपनी कुरान क्लासेस के लिए निकलती है लेकिन उस दिन वो वापिस नहीं आती। ये देखकर उसके अंकल काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और लोकल पुलिस स्टेशन में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। जैनब के गुमशुदा होने की खबर जैसे ही उसके माता पिता को पता चलती है तो वो सीधा पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो पुलिस वाले CCTV फुटेज में देखते हैं कि जैनब किसी आदमी के साथ हाथ पकड़ के कहीं जा रही है। काफी सर्च के बाद 9 जनवरी 2018 को जैनब की बॉडी डिस्कवर होती है शाहबाज खान रोड के कूड़ेदान वाले एरिया में। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कंफर्म हो जाता है कि उस बिचारी बच्ची का पहले रेप किया गया, फिर उसे टॉर्चर किया गया और एंड में दम घोट के उसकी जान ले। जब ये बात मीडिया में उछली तो पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। लोग सड़कों पे उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे और जस्टिस की डिमांड करने लगे। हर जगह कैओस मच गया। प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस होने लगे जिस कारण दो लोगों की जान भी चले गई। जिस दिन जैनब की बॉडी मिली उसके 2 हफ्तों बाद एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया जिसको पुलिस ने CCTV में जैनब के साथ देखा था। उस शख्स का नाम था इमरान अली, उम्र 24 साल। जब DNA टेस्ट किया गया तो ये साबित हो गया कि इस बच्ची का खून इसी ने किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इमरान एक सीरियल किलर था जिसने जैनब के अलावा 7 और लड़कियों का रेप किया और उनमें से 6 को मार दिया। पाकिस्तान के लोगों में सिर्फ जैनब की मौत को लेकर गुस्सा नहीं था बल्कि उन बच्चों को लेकर भी था जिनकी डेथ काफी पहले हो चुकी थी लेकिन वहां की पुलिस ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जस्ट बिकॉज वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके बाद 12 फरवरी 2018 को एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑफ लाहौर इमरान अली को गिल्टी ठहराती है और उसके क्राइम के लिए उसको फांसी की सजा सुनाती है। फिर 25 फरवरी को इमरान अली उस वर्डिक्ट को चैलेंज करता है हाई कोर्ट में। मार्च 20 को हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि इमरान अली डेथ पेनल्टी डिजर्व करता है। उसके बाद इमरान अली उसे चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में लेकिन सुप्रीम कोर्ट 12 जून को उसकी अपील रिजेक्ट कर देता है। अक्टूबर 12 को एंटी टेररिज्म कोर्ट डेथ वारंट इशू करते हैं अगेंस्ट इमरान अली और फाइनली अक्टूबर 17, 2018 को इमरान अली को फांसी हो जाती है। दुनिया में ऐसे ऐसे क्राइम है, ऐसे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं और मेरे ख्याल से इन सब चीजों के बारे में ना ही पता चले तो ही बेहतर है क्योंकि ये सब चीजें इतनी ब्रूटल है कि कई लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। खैर ये सब चीजें थी डार्क वेब से रिलेटेड। आई नो काफी सारी चीजें हैं डार्क वेब से रिलेटेड जिसको डिस्कवर करना अभी भी बाकी है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप इसका सीक्वल चाहते हैं जिसमें मैं डार्क वेब और उससे जुड़े कई केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। और हाँ, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, मैं जानता हूँ हम ह्यूमंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि जिस भी चीज को ना बोलो वही चीज करेगी, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डार्क वेब को एक्सेस करने का ट्राई भी मत करना। वो चीज हम जैसे लोगों के लिए नहीं है तो जितना हम वहां से दूर रहें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ।